नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रदेश में अलग अलग जिलों के स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की कई तस्वीरें हमारे सामने आ रही है। कई अस्पतालों में बद इंतजामी देखने को मिल रही है तो कई ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मारामारी चल रही है। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है, बावजूद इसके हालात जस के तस ही नजर आ रहे हैं। ताजा मामला राजधानी लखनऊ का है, जहां एक वीडियो वायरल हुआ है कि जिसमें परिजन एक महिला को रिक्शे में लादकर अस्पताल ले जाते दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नरही निवासी आशा जायसवाल की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने एम्बुलेंस के लिए फोन किया, लेकिन घंटों तक मदद न मिलने पर परिजन रिक्शे में ही आशा को सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। हालांकि इलाज के दौरान आशा जायसवाल की मौत हो गई। जब परिजन आशा को सिविल अस्पताल ले जा रहे थे, तब किसी ने मोबाइल में ये वीडियो कैप्चर कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये हालात तब है जब राजधानी लखनऊ के लिए जिलाधिकारी ने कुछ अतिरिक्त नंबर जारी किए हैं। शिकायतों, सैनिटाइजर, शववाहक, ऑक्सीजन, दवा और शमशान घाट पर अंतिम संस्कार से संबंधित शिकायतों के साथ ही अस्पतालों से संबंधित शिकायतों के लिए अतिरिक्त नंबर जारी किए गए हैं। पुराने नंबर के अतिरिक्त भी कॉल सेंटर डेडिकेटेड अन्य हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किए हैं। इसके बावजूद यही हालत है लखनऊ के।